अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रवैस अनवर है। सेकेंड ईयर बायोलॉजी में हम बात करने लगे हैं चैप्टर नंबर 9 के टॉपिक की, दैट इज़ नोन एज वरीज अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी एडवांटेजेस की, कौन कौन से फ़वाद हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से लिए जा रहे हैं, किन किन एरियाज़ के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर के अंदर, मेडिसिन के अंदर, डायग्नोसिस के अंदर, वैक्सीनेशन के अंदर। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से अराइज़ हो रही हैं या फिर हो सकती हैं, कौन कौन सी वरीज़ हैं, कौन कौन सी परेशानी हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी को लेकर हैं। ना इनिशियली एक कंसर्न जो कि अभी भी है वो ये है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। हमने देखा था जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर आप डीएनए के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो उस मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए से या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ऐसा हो सकता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवेलप हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा हैज़र्डस हों, यानी ऐसी डिजीज़ कॉज करना शुरू हो जाएं जिनके हमारे पास कोई ट्रीटमेंट मौजूद ना हो। ना अब अगर वो एस्केप कर जाएं लैब से तो दे कैन कॉज अ पेंडेमिक। कोविड के बारे में भी यही ख्याल किया जा रहा था कि ये भी ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, वायरसेस के ऊपर, एंड वहाँ से वो वायरस जो है वो एस्केप कर गया और उसकी वजह से ग्लोबल पेंडेमिक हो गया, पूरी दुनिया के अंदर ये जो है वो प्रॉब्लम आ गई। तो कंटिन्यूसली डिफरेंट लैब्स के अंदर वर्ल्ड वाइड जो है वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उनके डीएनए के साथ मैनिपुलेशन की जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की जाती है, डीएनए के पीसेस को आगे पीछे किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस तरह के ऑर्गेनिजम्स डिवेलप हो जाएँ जो कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल पैथोजेंस हो, जो कि बहुत सीवियर डिजीज़ कॉज करें और वर्ल्ड वाइड जो है वो ग्लोबल पेंडेमिक जो है वो कॉज कर सकें। तो ये जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसी वजह से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी कुछ को लेकर कुछ कंसर्न्स हैं। सेकंड जो है वो ये है कि न्यू मेडिकल प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं डेली बेसिस के ऊपर, तो उन मेडिकल प्रोडक्ट्स के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स का एक बड़ा इशू है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की, तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक्सटेंशन है क्रॉस ब्रीडिंग की या हाइब्रिडाइजेशन की। अब ये क्रॉस ब्रीडिंग क्या है, तो बहुत सालों से जो है वो ये होता आ रहा है कि डिफरेंट तरह के एनिमल्स को, डिफरेंट तरह के प्लांट्स को, बिल्कुल डिफरेंट नहीं, मिलते जुलते एनिमल्स, मिलते जुलते प्लांट्स को क्रॉस करवा के एक नया प्लांट या एक नया एनिमल प्रोड्यूस किया जाता है और देखा जाता है कि उसके अंदर बेटर कैरेक्टर्स हैं या फिर नहीं है। तो इसे कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग या इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन यानी मिक्सिंग कहते हैं। तो दो मिलते जुलते एनिमल्स को, दो मिलते जुलते प्लांट्स को क्रॉस करवा कर एक नई वैरायटी प्रोड्यूस की जाती है जिसके अंदर मिक्स कैरेक्टर्स होते हैं। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के अंदर भी क्या किया जा रहा है, एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म का डीएनए डाला जा रहा है, पूरा ऑर्गेनिज्म क्रॉस नहीं करवाया जा रहा, डीएनए का कोई पीस डाला जा रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि भाई ये इसी तरह है जिस तरह आप क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। ना क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन से तो आपको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती, बट जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये इतना सेफ नहीं है। तो बहुत सारे लोग जब ये सोचते हैं कि ये क्रॉस ब्रीडिंग और हाइब्रिडाइजेशन है, तो जो भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है, जो भी इस तरीके से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं डीएनए को इंसर्ट करके न्यू किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई नया डीएनए जो है वो ये छोटा सा डीएनए का पीस इंसर्ट किया जाता है, तो कई बार उसकी टेस्टिंग शायद नहीं होती। तो बिना टेस्ट किए अगर ये मार्केट के अंदर आ जाए तो ऐसा हो सकता है कि उन प्रोडक्ट्स के साइड इफेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप दो प्लांट्स को क्रॉस करवा के एक नया फ्रूट या एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, फ्रूट बना रहे हैं या कोई एनिमल बना रहे हैं दो एनिमल को क्रॉस करवा के, और उसे बिना टेस्ट किए और उनके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमन के ऊपर बिना टेस्ट किए आप उसे मार्केट के अंदर छोड़ दें, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके अंदर वो हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करें। ठीक है जी, इसके अलावा फूड की अगर हम बात करें तो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से यही जो मैंने बताया कि डीएनए को इंसर्ट करवा के जो नए वो बनाए जा रहे हैं, वैरायटीज़ बनाई जा रही हैं, अगर उन्हें टेस्ट ना किया जाए तो ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर ऐसी प्रोटीन्स हों जिनसे सिवियर एलर्जीज़ हों, बहुत सारे लोगों के अंदर एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएं। हमने प्रीवियसली बात की थी कि ऐसा फ्रूट बनाया जा सकता है कि जिसके अंदर सारे के सारे विटामिन हों, एक ही फ्रूट के अंदर एक ऐसा फ्रूट बनाया जा सकता है जिसके अंदर सारे के सारे अमीनो एसिड्स हों। अब अगर नेचर ने हर अमीनो एसिड या हर विटामिन एक फ्रूट के अंदर नहीं रखा, तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि अगर वो सारे के सारे एक जगह आ जाएं तो वो फ़ायदे के बजाय नुकसान दें, वो टॉक्सिक हों, वो आपस में रिएक्ट करके कोई हार्मफुल प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो हम अगर ये कोशिश करें कि डिफरेंट तरह के अमीनो एसिड को, डिफरेंट तरह के जो वो हैं विटामिंस हैं, उन्हें एक ही फ्रूट के अंदर लाने की कोशिश करें और उसे बिना टेस्ट किए मार्केट के अंदर छोड़ दें, तो बहुत सारे लोगों के अंदर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। देन सुपर वीट, प्रीवियसली हमने बात की थी कि प्लांट्स के अंदर मैनिपुलेशन की जा रही है और ऐसे प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं जो डिजीज़ रेजिस्टेंट हैं,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके ऊपर जो है वो डिजीज़ नहीं कॉज कर सकते, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, फंगल डिजीज़, या फिर हर्बिसाइड या वीडिसाइड जो होते हैं जो कि प्लांट्स को किल कर देते हैं, उनसे रेजिस्टेंट है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्लांट्स होंगे कि जिनके ऊपर इन्फेक्शन नहीं होगा, तो फसलें ख़राब नहीं होंगी। दूसरा, आप जो है वो वीडिसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं, हर्बिसाइड, इंसेक्ट किलर इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्लांट के ऊपर उसका भी असर नहीं होगा, लेकिन जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो मर जाएंगे। लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि ऐसे प्लांट्स भी डेवलप हो सकते हैं कि जिनके ऊपर फिर किसी चीज़ का असर ना हो, ना तो उनके ऊपर कोई इन्फेक्शन का असर हो, ना ही उनके ऊपर कोई वीडिसाइड या हर्बिसाइड का असर हो। अब अगर ये लैब से स्केप कर जाएं या फिर किसी जगह जाकर ओवर ग्रो हो जाएं, फॉर एग्जांपल किसी एक फॉरेस्ट के अंदर जाकर, ये सुपर वीड, ऐसा प्लांट जिसके ऊपर कोई कोई चीज़ असर नहीं करती, तो ये मरेगा नहीं, तो ये इमॉर्टल हो जाएगा। अब जब ये इमॉर्टल हो जाएगा और ये किसी जंगल के अंदर ग्रो करना शुरू करेगा, तो बाकी प्लांट्स मरते रहेंगे, ये नहीं मरेगा, तो इसका नंबर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा, और एक वक्त आएगा कि उस पूरे फॉरेस्ट के अंदर कोई और प्लांट जो है वो आपको नज़र नहीं आएगा, सारा का सारा सिर्फ यही होगा। तो इससे होगा क्या, जो दूसरी स्पीशीज़ है प्लांट्स की वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये जो सुपर वीड्स हैं ये ओवर ग्रो अगर कर जाएंगी, तो इससे प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो नेचर है उसको नुकसान होगा, जो स्पीशीज़ जहाँ पर पाई जाती हैं, जो डिफरेंट तरह की वैराइटीज़ हैं प्लांट्स की, वो ख़त्म हो जाएंगी और खाली यही प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करते रहेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। देन एथिकल डिबेट जो है ह्यूमन जीनोम से रिलेटेड, हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि जीन सीक्वेंसिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर आप डीएनए को पूरा का पूरा स्टडी कर सकते हैं, पूरा सीक्वेंस जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमने देखा था कि उसके अंदर इंसानों का पूरा डीएनए जो है वो स्टडी किया गया। तो जीन सीक्वेंसिंग के जरिए आप किसी भी शख्स का डीएनए जो है वो स्टडी कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, किसके पास ये राइट है कि वो किसी का डीएनए जो है वो स्टडी कर सके? अच्छा, इन इन केस अगर ये डीएनए स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, जीनोम स्टडीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, तो फिर ये भी हो सकता है कि इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जॉब की बात करें या फिर मैरिज की बात करें या फिर इंश्योरेंस की बात करें, फिलहाल अगर हम देखते हैं तो जॉब के क्राइटेरियाज होते हैं कि एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। लेट्स जस्ट से कि जॉब का ये क्राइटेरिया भी हो जाए कि आपके अंदर कोई डेबिलिटिंग डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर जो है वो एज़मा नहीं होना चाहिए, ठीक है? आप लोग जो है वो जॉब पे जब रखते हैं किसी को, तो हो सकता है उस वक्त पेशेंट को सिम्टम्स ना हो, लेकिन अगर जीन सीक्वेंसिंग के अंदर देखा जाए तो आपको नज़र आ जाएगा कि पेशेंट जो है उसके अंदर एज़मा है या उसके अंदर डायबिटीज़ है। तो जेनेटिक डिजीज़ जो हैं अगर उनकी बेसिस के ऊपर लोगों को जॉब ना मिले, ठीक है, या फिर मैरिज के अंदर अगर देखा जाए, फ़िलहाल भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, बट अगर मैरिज के अंदर भी जेनेटिक स्टडीज़ करवाई जाएँ, देखा जाए कि भाई किस शख्स के अंदर कौन कौन सी जेनेटिक डिजीज़ हैं और उसके बेसिस के ऊपर रिजेक्शन होने लगे हैं, तो ये कुछ एथिकल प्रॉब्लम्स हैं। देन क्लोनिंग से रिलेटेड हमने देखा कि ह्यूमन क्लोनिंग जो है उसे बैन किया गया है, उसके अंदर भी कुछ एथिकल इश्यूज़ हैं। तो ये कुछ वरीज हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, बट अगेन जो एडवांटेजेस हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो डिसएडवांटेजेस से बहुत ज़्यादा हैं, वरीज से बहुत ज़्यादा हैं, और ये एक बहुत ज़्यादा ग्रोइंग फील्ड है। बहुत सारे लोग जो कि उसमें नहीं जा पा रहे, एमबीबीएस और बीडीएस के अंदर नहीं जा पा रहे, उनके लिए एक बहुत अच्छी फील्ड है जो ये एक्सप्लोर की जा सकती है। यहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा स्कोप है इसका, बट वर्ल्ड वाइड जो है और फ्यूचर के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो है वो बहुत ज़्यादा स्कोप है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी वरीज, दिस इज़ ऑल अबाउट द डिसएडवांटेजेस जो कि बायोटेक्नोलॉजी के हैं।